गर्मी का मौसम है और इस मौसम में सभी ठंडा ठंडा पीना ज्यादा पसंद करते हैं और आज मैं आपको सौंफ के शरबत का ऐसा प्रीमिक्स बनाना बताऊंगी कि बस एक मिनट में आप सौंफ का शरबत बना करके तैयार कर लेंगे। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए ये शरबत गर्मी से राहत और शरीर को ठंडक देता है और ये पीने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैं नेहा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी किचन नेहा की पाकशाला में और चलिए सौंफ के शरबत का प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। सौंफ के शरबत का प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप बारीक वाली सौंफ ली है। सौंफ को पहले आप अच्छे से साफ कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। और सौंफ का 4 गुना यानी कि 4 कप चीनी ली है, 40 हरी इलायची, 2 टेबलस्पून खसखस और 2 टीस्पून काली मिर्च के दाने लिए हैं। खसखस डालना टोटली ऑप्शनल है और अगर आपके पास नहीं है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सौंफ में आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये बारीक वाली सौंफ है। मोटी वाली सौंफ अचार के लिए इस्तेमाल होती है और शरबत के लिए हमें यही बारीक वाली सौंफ लेनी है। अब एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें डालेंगे काली मिर्च के दाने, हरी इलायची, खसखस और साथ ही में सौंफ भी डाल देंगे इसमें। और ये जो चीनी हमने ली है इसको आधा मिक्सर जार में डाल देंगे, क्योंकि चीनी ज्यादा है तो पूरी एक साथ नहीं पीस पाएगी, इसलिए बची हुई चीनी को हम बाद में पीस लेंगे। अब इन सारी चीजों को हमें एकदम बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। सारी चीजों को हमने एकदम बारीक पीस लिया है तो इसको हम एक अलग बोल में निकाल लेते हैं। अब ये जो बाकी बची हुई चीनी है इसको भी हम मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। चीनी को भी हमने पीस लिया है तो इसको भी हम बोल में निकाल लेंगे। सौंफ के शरबत का प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने जितनी भी चीजें ली थी उन सबको हमने अच्छे से पीस करके तैयार कर लिया है। अब एक बड़ा बोल और छन्नी ले लेंगे और ये जो सौंफ के शरबत का प्रीमिक्स बनाया है हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेंगे इस तरीके से, जिससे कि जितना भी मोटा मोटा पिसने से रह गया होगा वो सारा निकल जाएगा। छानने के बाद ये देखिए जो मोटी मोटी सौंफ रह गई है उसको हम वापस से मिक्सर जार में डाल देंगे। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम ये पूरा प्रीमिक्स छान लेंगे और छानने के बाद जो मोटा मोटा बचेगा उसको मिक्सर जार में ही डालते जाएंगे। पूरे प्रीमिक्स को छान लिया है हमने और छानने के बाद जो मोटा मोटा रह गया था उसको मैंने मिक्सर जार में ही इकट्ठा कर लिया है। अब इसको भी हम वापस से एक बार अच्छे से पीस लेते हैं। मोटा मोटा जो पिसने से रह गया था उसको भी हमने अच्छे से एकदम बारीक पीस लिया है तो इसको भी हम छान लेते हैं। तो अभी हमारा सौंफ के शरबत का प्रीमिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है और ये जो प्रीमिक्स हमने तैयार किया है इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रीमिक्स से आप शरबत बना करके कैसे तैयार करें। तो पहले गिलास में 2.5 चम्मच सौंफ के शरबत का प्रीमिक्स डालें। और ऊपर से गिलास में ठंडा ठंडा दूध डाल लें। और फिर अच्छे से मिक्स कर लें। आप पानी में भी इस प्रीमिक्स को मिला के शरबत बना करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूध के साथ ये ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं आपको दूध में बनाना बता रही हूँ। लेकिन अगर आप पानी में बनाना चाहते हैं तो आप दूध की जगह बस पानी का इस्तेमाल कर लें। मिक्स करने के बाद आइस क्यूब्स डालकर आप इस शरबत को सबको सर्व करें। तो लीजिए तैयार हो गया गर्मी से राहत और शरीर को ठंडक देने वाला सौंफ का शरबत। आप इस सौंफ के शरबत के प्रीमिक्स को बनाएं और गर्मी के इस मौसम में इस प्रीमिक्स से शरबत बना करके जरूर पिएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर तो जरूर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।